नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने पर पंचायत के अधिकारी पानी फेर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हर ग्रामीण को आवास देने के लिए योजना बनाई थी। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाले कई गांव में ठेकेदार ग्रामीणों के खातों में आय राशि को निकलवाकर हजम कर गए हैं। पीएम आवास के नाम पर आधे अधूरे मकान बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों के समक्ष उनके घर का सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे में ग्रामीण झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को ठेकेदार ने अपना शिकार बनाया है। सीधे सीधे ग्रामीणों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आई राशि 1,20,000 रुपए को निकलवा लिया और उस राशि से घर बनवाने की बात कहकर आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। अब इस क्षेत्र के ग्रामीण पीएम आवास को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये आपका घर स्वीकृत हुआ था, अधूरा है। अधूरा है। कौन बनवा रहा था? किरण पटेल। कौन है ये किरण पटेल? ये ठेका वगैरह लिया था क्या? पैसा कौन दिया उसको? वहीं लक्ष्मीपुर के एक हितग्राही पंचराम ने बताया कि जब उसका प्रधानमंत्री आवास पास हुआ तो धरमजयगढ़ टोंगा घाट निवासी किरण पटेल उसका मकान बनाने के पीछे पड़ गया और प्रधानमंत्री आवास का पूरा रकम निकलवा कर खा गया। वहीं आवास बने इतने दिन गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास में छतें तक नसीब नहीं हुई। इसके अलावा ग्रामीण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के आधे अधूरे निर्माण से वो किसी काम के नहीं आ रहा है। अगर ठेकेदार किरण पटेल आवास की राशि नहीं हजम करता तो आज उससे दूसरा कच्चा का मकान नहीं बनाना पड़ता। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस आवास को लेकर जब उसने शिकायत करने की बात की तो पैसा पूरा खत्म हो गया, अपने घर से पैसा दो तो छत बनेगी, ऐसा कहकर ठेकेदार किरण पटेल द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। धरमजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।